नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो स्टैटिक जीके का पार्ट चल रहा था उसका आज छठवां पार्ट होगा। इससे पहले मैंने 5 पार्ट जो है करा चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो। और एक चीज़ आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। तो चले दोस्त, अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो पर। और वीडियो में सीधे हम बात करेंगे आज का हमारा पार्ट छठवां, और छठवां हम 64वें प्रश्न से स्टार्ट करना था। एक चीज़ आपको बता दें कि मैं हर वीडियो में 30 प्रश्न कराता हूं, और 30 प्रश्न लगभग 100 प्रश्नों के बराबर होते हैं, क्योंकि मैं हर प्रश्नों का एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते चलता हूं। तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे बात करते हैं प्रश्न नंबर 64, और वह है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। तो किसके अनुसार, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो वह रॉबिन्सन के अनुसार है। आगे चलते हैं 65 प्रश्न। फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी तो 27 अगस्त 1789 को। तो ध्यान रखिएगा 16 बिहार में घोघा झील स्थित है, कटिहार जिले में स्थित है। और 67 प्रश्न, वर्गीकरण की द्विव नाम पद्धति के किसने दी थी तो वह लीनियस ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं और 68 प्रश्न है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई थी। तो जीएसटी ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से, काफी डेट इसका पूछा जाता है। निगम कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाता है। तो निगम कर क्या है, प्रत्यक्ष कर। जैसे और भी प्रत्यक्ष कर हैं, जैसे संपत्ति कर हो गया, आय कर हो गया, उपहार कर हो गया, तो ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 4 महत्वपूर्ण है। वेट जो है अप्रत्यक्ष कर है, और सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, जैसे निगम कर, आय कर, संपत्ति कर, और एक है उपहार कर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड, तो आप ध्यान रखिएगा। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है 69, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन है, जो वह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए, रक्त जो है, यहाँ हम लिखते हैं रक्त, यहाँ पर हम लिख रहे हैं रक्त, ध्यान रखिएगा रक्त, ये रक्त है। रक्त के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कोशिकाएं। यहाँ पर रक्त कोशिकाएं, तो रक्त कोशिकाएं में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, तो RBC, WBC और एक होता है प्लेटलेट। तो 3 पार्ट होते हैं रक्त कोशिकाओं के, और इसके जो है प्लाज्मा के एक ही पार्ट होता है। और प्लाज्मा लगभग 55% हिस्से पर, और ये 45% हिस्से पर जो है रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। इसी प्लाज्मा के अंतर्गत ये जो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे ग्लोबुलिन, एल्बुमिन प्रोटीन, तो ये जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और इंसुलिन की अतिस्रावण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसको डायबिटीज भी आप कह सकते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 71 है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटस जो है नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है वो है। और सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामलाई की जो पर्वत होता है उसमें अन्नामुडी एक पर्वत श्रृंखला है वो सबसे ऊंची चोटी होती है दक्षिण भारत की। टेलीविजन के आविष्कारक जे एल बेयर्ड हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, तो 4 सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाधिक होता है, लेकिन फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना में पूछेगा कि कब बराबर होता है इन दोनों का तापमान, तो -4 सेंटीग्रेड पर जो है इनका तापमान जो है बराबर होता है सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना का। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो डेट को ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और एक चीज आपको बताता हूँ ओजोन से रिलेटेड, जैसे कि एक प्रोटोकॉल आता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल नामक शहर कहाँ है, कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक शहर, वहीं पर ये हुआ था प्रोटोकॉल, तो उसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी याद रखेगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, इस डेट को भी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे है हमारा कि किस क्षेत्र के योगदान के लिए ग्रेगर जैन मेडल को जाने जाते हैं, तो वो आनुवंशिकी के लिए जो है ग्रेगर जैन मेडल काफी फेमस व्यक्ति हैं। अगला पॉइंट, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मी सभा की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने ही किया था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, लेकिन वहीं स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था बेलूर मठ पर। और सत्य स्वतंत्र समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पहचान की घोषणा कब की गई थी, तो अगस्त 1932 में इन्होंने घोषणा किया था सांप्रदायिक पहचान की। तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है आधुनिक भारत से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में यहाँ पर दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 को 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। कितने, तो 10 थे जब जोड़ा गया था, तो 10 थे, लेकिन 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 10 थे मौलिक कर्तव्य, लेकिन अब कितने हैं, 11 हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। किस आंग्ले मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मार दिया था, तो चौथा आंग्ले मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। उस समय गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी टीपू सुल्तान, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति था ये। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम सिद्ध दिया गया है, चलिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 81, किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है, तो विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम थायमिन है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर दिया गया है B12 का रासायनिक नाम, तो साइनोकोबालामिन। B12 में
कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट एक धातु है। तो प्रश्न बनता है कि किस विटामिन को धातु विटामिन किस विटामिन को धातु विटामिन भी कहा जाता है, या धातु धातु किस विटामिन में पाया जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो B12 पर ही जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बना हुआ है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम है B6 का। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, B3 जो है ना, इससे क्या कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग जो है B3 से होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेलाग्रा रोग किससे होता है, तो B3 से, ये पूछा जाता है कई बार। आगे चलते हैं, आयुर्वेद में महान विद्वान धन्वंती किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है, तो वह है गुप्त वंश से वह संबंधित है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो रहते थे। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वो रहते थे। ये गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण शासन है चंद्रगुप्त द्वितीय। एक चीज आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, श्री गुप्त। और अंतिम शासक पूछता है तो भानुगुप्त था, भानुगुप्त, ठीक है ना। और बात किया जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंती रहते थे, यह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग इसके काल को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। प्रश्न नंबर 83, मुर्शिद कली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मुर्शिदाबाद किया था। फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर उसकी राजधानी जो है मीर कासिम ने किया था, और मीर कासिम जो है बक्सर के युद्ध 1764 में युद्ध हुआ था, 1764 का जो युद्ध हुआ था उसमें जो है मीर कासिम जो है अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गया था बक्सर के युद्ध में, तो ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 का। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं अनुच्छेद 32 को। किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार अगर वो हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाता है। और 226 के तहत कहाँ जाता है, तो हाई कोर्ट जाता है, ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, जैसे होता है ना कि नीच जातियों को आदमी नीच भावना से देखाता है, तो वो सब अगर वैसा कोई भी व्यक्ति करता है तो वो कानूनन अपराध माना जाता है अनुच्छेद 17 के तहत, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। समानता के अधिकार में यह आता है अनुच्छेद 17। 86, कौन सी वायुमंडली परत पृथ्वी के सबसे समीप है, तो क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, और वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और पूछेगा कि वायुमंडल में कितने मंडल हैं, तो 5 मंडल है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है तो वह किससे है भैया, तो मुफ्त LPG गैस कनेक्शन से है। शुरुआत जो है इसकी 1 मई 2016 को किया गया था। आगे चलते हैं, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान तो वह एक, और काफ़ी फेमस है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न, बरौनी रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित
है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 91। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है? तो मधेपुरा जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। प्रश्न नंबर 92 है कि 2011 के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो ध्यान रखिए का। और जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान किसका है? तो बिहार का ही है। प्रश्न नंबर 93, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। जैसे अगर हम पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसी तरह राज्य का उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट जो होता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल बना रहेगा। 94, अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय। और तेलुगु भाषा के काफी फेमस व्यक्ति हैं, कवि हैं कृष्णदेव राय, तो ध्यान रखिएगा। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है? तो सिखों के पांचवें गुरु जो अर्जुन देव हैं उन्होंने किया है आदि ग्रंथ का संकलन। इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि औरंगजेब जो है खुसरो की मदद, अपने पुत्र जो औरंगजेब का पुत्र था खुसरो, उसकी मदद कराने के लिए इनको फांसी दे दिया था गुरु अर्जुन देव को। पांचवें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के ये संकलनकर्ता भी हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, ये इंपॉर्टेंट है, द बंगाल गजट था, ध्यान रखिएगा। कब? तो 1780 में प्रकाशित हुआ था, प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? तो K.M. पन्नीकर ने किया था, और कहां से? दिल्ली में। यह एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था, इतना चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 98 प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। दास कैपिटल इनकी फेमस पुस्तक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्हीं से संबंधित है, कार्ल मार्क्स से ही संबंधित है। आगे चलते हैं और 99 प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था गुजरात के अहमदाबाद शहर में, ये हुआ था गुजरात के अहमदाबाद शहर में। ये स्पेशली हुआ क्यों था? क्योंकि देखिए इसको, इसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है खेड़ा सत्याग्रह में, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक नाम गांधी जी का आता है। यहाँ पर हुआ क्या था कि जो राजस्व वसूली यहाँ होता था ना, कि ये अंग्रेजों ने यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की थी कि आप कुछ भी उपजाएं चाहे मत उपजाएं, लेकिन आपको कर देना है, टैक्स देना है तो देना है, ऐसे नियम लगाए थे। लेकिन राजस्व का वसूली जो होता है वो ऐसा नहीं कहता था, वो कहता था कि अगर आप 1/4 हिस्से पर, मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर अपने ज़मीन का 1/4 हिस्से पर खेती नहीं करते हैं तो आपको कर नहीं देना है, राज्य का वसूली कहता था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर अलग से ही कानून चलाए थे, तो इन्होंने इस खेड़ा सत्याग्रह को लेकर न्यायालय में चुनौती दिया था और इनकी विजय हुई थी। वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है महिलाओं ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। और 100वां है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध के विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध विकास किसके है? तो राजमार्गों से संबंधित है। कौन कौन से राजमार्ग को जोड़ा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत? तो देखिए दिल्ली मुंबई यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर कलकत्ता और यहाँ पर चेन्नई, इन चारों शहरों को जोड़ा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत।
तो आज हम 100 प्रश्नों तक कवर कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो देखकर ये मत घबरा जाइएगा कि 100 प्रश्न से फिर एक प्रश्न स्टार्ट हो जा रहा है। 500 प्रश्न मैंने कहा हूं तो 500 प्रश्न कराऊंगा। पहला से 100 प्रश्न और पहला से 100 प्रश्न ऐसे स्टार्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम पहले प्रश्न से यहां से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो जो 7वां पार्ट आएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।